गुड मॉर्निंग गाइस, मतलब कजिन जी जो आए थे, बस्ता भी है अभी तो कितना है। ये हमारी दो कटिंग बुलेट पे आया था। ताली बजाओ। तो भाई साहब हम लोग तो मतलब निकल पड़े वो लोग को बुआ के यहाँ पे छोड़ के। भूख लगी है वो जोर की, वो लोग के सामने खा नहीं सकते जो हम लोग को खाने या जो भी है ना। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी राजसमंद के ये राजनगर के नाके पे, जो भी कुछ मिलेगा वो खाएंगे। क्योंकि आलू वड़ा के बाद मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, और चाय भी पीना है तो चाय भी पियेंगे। इसके बाद उदयपुर जाके क्या प्लान है? मूवी देखने का। मूवी का कौन सा मूवी? दोनों मूवी देखने का, दोनों में से एक। तो आपने तो बोला टिकट निकाल लो, तो टिकट तो निकाल लिया रहेगा ना? कौन सा निकालेगा? अवतार का निकाल देगा। अवतार देख लेंगे। हाँ अवतार देख, मतलब अवतार पहले की पार्ट 1-2 है क्या? 2-2। मैंने 1 ही नहीं देखा अभी तक। अभी तो मैं जो काम के लिए आया था राजस्थान, तो वो काम के लिए अभी जा रहे हम लोग लेने के लिए। हम लोग निकल पड़े हैं उदयपुर के लिए। है जीजू, मैं चलाता हूँ गाड़ी। ओके, ध्यान से हम चलाएंगे गाड़ी। जीजू मैं क्या बोलता, कल सुबह आओ फिर से इधर ही। दीपिका बोलते वो चिल्ला रही है मेरे को। वापस कैसे आएंगे, काम पे जाना है? नहीं नहीं, आप नहीं आओगे ना? तो तुम ही तो बोले मैं आ जाता ना। मैं बस में आ जाऊंगा ना। तुम बस में आ जाओ। बड़े लोग बोलते हैं कि क्यों बार बार टाइम वेस्ट मनी वेस्ट, बट अभी देखा ना आपने क्यों काम अच्छा नहीं लगा। तो अभी क्या करेंगे, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अभी 2 दिन के लिए आए थे, अभी 3-4 दिन होने वाला है अभी मेरे को लग रहा है। गाइस हम लोग अभी निकले मूवी देखने के लिए, उदयपुर पहुंच गए, बहन को छोड़ दिया घर पे। तो अभी हमारे साथ जो एक बंदा है वो क्या कर रहा है, बिस्लरी की बोतल में स्प्राइट भर के मूवी देखने जा रहे हैं। कोई कुछ बोलेगा तो? अरे लीक मत करो ऐसी चीजें, अपना फॉर्मूला है बस। हाँ बिस्लरी की बोतल में स्प्राइट भर के लीक नहीं करनी चाहिए। हम ये हमारा फॉर्मूला है, अंदर 70 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, इसलिए हम 40 रुपए का इसमें। हमारे सबसे अच्छे भाई यही है क्या, जो हमारे साथ रहे हैं बहुत टाइम तक। हम लोग को हो चुका है लेट, 8:05 हो गया और 8 बजे का शो है। हम लोग भाग रहे फटाफट, और यहाँ पर पार्किंग भी फुल हो चुकी है। तो यहाँ पर पार्किंग का थोड़ा लोचा था, तो हमने फटाफट एक पार्किंग देखा और पार्किंग में डाल दिया। क्या हुआ, कितना बजे का शो है? 8 बजे का। और कितना बज रहा है? 8:05 हो गया। मुकेश वाला एड निकल गया मेरा यार सर। ये हमारा लेजी ड्राइवर है, जिन्होंने बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाई जिंदगी में। आप देख सकते पीछे की तरफ से सब गड़बड़ है इनका। भाई सक्सेसफुल लेके आ गए तुम? हाँ स्प्राइट लेके आ गए इसके अंदर भर के। इसे बंद करो अभी। अभी टाइम हो रहा है 1:04। हम लोग की मूवी खत्म हो गई थी अराउंड 11:20, तो हम लोग को घर पे आते आते हो गए 12 बज गए घर पे आते आते। तो जीजू ऊपर सोने चले गए, उत्तम भैया वहाँ पे सोने चले गए, बट मुझे भी नींद आ रही थी। तो मैंने बोला कि ठीक है आप सो जाओ, बाद में मैं थोड़ा टाइम में सोता हूँ, बट अभी मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 2-3 दिन का जितना भी व्लॉग मैंने शूट किया था वो भी ट्रांसफर पे रख देता हूँ, और बाकी मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ डाल रहा हूँ। क्योंकि मोटिव कुछ नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है ऐसा वीडियो बनाना, क्योंकि पूरे टाइम दिमाग में हजारों बातें चल रही है, बट एक बात को एग्जीक्यूट करना। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ कैमरे के सामने बोल देता हूँ, बाद में वो काम भी करते रहता हूँ, तो क्या वो काम भी होते रहता है और आगे का काम भी होते रहता है। तो मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट समझा नहीं पा रहा हूँ। आई होप आगे धीरे धीरे मैं जैसे खुल पाऊँ तो वैसा आपको और मजा आए वीडियो देखने में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम उदयपुर। कल रात को मैं जो फुटेज ट्रांसफर कर रहा था, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब बता रहा था कि मोबाइल इज नॉट कनेक्टेड, फंक्शन इज नॉट सपोर्टिंग, ऐसा ऐसा कुछ बता रहा था। तो मैंने 2-3 बार फोन को रिस्टार्ट किया, बाद में फिर से ट्रांसफर पर रखा, तो वही चक्कर में मेरे को सोते सोते 4 बज गए सुबह के। तो मैं अभी जस्ट उठा हुआ, सुबह के 10 बज रहे और मैंने आग खोला तो मतलब कोई भी नहीं था। जीजू देखा तो अभी देखो जीजू जा रहे नीचे। मेरा प्लान सिंपल सा है, अभी मैं जस्ट अपलोड करूंगा वो फोटो, विपुल भाई को भेजूंगा, एंड देन थोड़ा नहा भी के एंड टॉक लेके मैं सोच रहा हूँ कि शिव जी के यहाँ पे जाऊँ, जो कि यहाँ से है 35-40 किलोमीटर। गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, एंड टॉक है, तो एंड टॉक पे अपन चले जाएंगे फटाफट। जो 40 किलोमीटर है जो उसके लिए आधा घंटा 45 मिनट तो लगी गई। मैं निकल पड़ा हूँ अभी नाथवारा के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:21 और 47 किलोमीटर है, मुझे टाइम बता रहा है 57 मिनट। उदयपुर से बाहर निकल के आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आगे बिकॉज यहाँ के रोड से मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इसके लिए। अभी यहाँ पर पुलिस वाले लोग भी है, तो मैं थोड़ा अंदर रख देता हूँ कैमरा।
अभी हम आ चुके हैं उदयपुर के थोड़ा बाहर, मतलब वो सर्कल से थोड़ा अंदर जाएंगे तो उदयपुर स्टार्ट ही हो जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा हाईवे हाईवे, तो मतलब यहाँ से रोड सीधा 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 सीधा, नो लेफ्ट नो राइट। मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पर, सामने शिव जी की मूर्ति है, बट जाना कहाँ से है किसको पूछूं? भैया मूर्ति के लिए जाना कहाँ से, वहाँ पर जाना है, कहाँ से जाना है? अच्छा अच्छा ओके, वो मूर्ति के वहाँ पे जाना कैसे जाना है? अभी जो भाई साहब ने मुझे रास्ता बताया वो फुल टाइट थे, मतलब फुल टाइट थे, और बोल रहा हूँ वहाँ से जाने का, मतलब हाँ समझ गया यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एंट्री है, और इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, वहाँ पर मेरे को टिकट भैया ने बताया सामने वाले, 200 रुपया इधर नीचे नीचे घूम सकते हैं और 400 रुपया में वहाँ पर ऊपर तक जा सकते हैं। देखते हैं आप, मैंने टिकट ले लिया, मतलब पार्क के अंदर एंट्री लेंगे तो 200 रुपया, और मतलब मूर्ति के अंदर जाना है तो व्यू देखना है तो 400 रुपया, तो मैंने व्यू वाला ले लिया। यहाँ पे सामने भी मिलता है और ऊपर जाके चढ़ के भी टिकट मिलता है, और यहाँ से एंट्री लेना है, और सामने ही हमारे शिव जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर क्या एंट्री करते ही, मतलब वहां से एंट्री किया, ये जो टिकट था इस पे स्कैनर है, तो स्कैन करके कैसा मेट्रो में अपन गेट खुल जाता है अपने आप का आज का, तो वैसा ही है। रियल में देखे जाए ना स्टैचू बहुत बड़ा है, और मैंने तो 400 वाली टिकट ली है, तो मतलब मैं मूर्ति के अंदर भी जा सकता हूँ। और मेरा टाइमिंग है 2 बजे से 3 बजे तक मेरा टाइमिंग है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में 1 घंटा टाइम दिया। अगर आपको चलना पसंद नहीं है तो आप बग्गी भी यूज कर सकते हो यहाँ पर एंट्री से लेके, या मतलब ये वाले गेट पे, आई थिंक ये वाला गेट है ना, हाँ यही गेट है। अगर आपके साथ बच्चा कोई आ रहा है, मतलब आपकी बेबी बेबी कोई आ रही है, तो आप यहाँ पर घूम सकते हो। ये गार्डन का नाम है मजे गार्डन। तो अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री है, ये सिर्फ पाव का। यहाँ पर मतलब सिर्फ यहाँ पर पाव आके छूने का, मतलब यहाँ पर सिर्फ आके आप पाव छू सकते हो। अभी मतलब मुझे लग रहा है कि अंदर जाने के लिए जो आपको बताया ना सामने से एंट्री, वो वाला एंट्री है। अभी मैं नीचे जाता हूँ, बाहर बैठता हूँ। दो बज चुके हैं, अभी हमको अंदर जाना है, बट वो वॉचमैन बोलते हैं यहाँ पर चप्पल खोल के फिर अंदर जाना है, फिर ऊपर जाना है, मतलब चप्पल वप्पल सब यहाँ पर खोल के ऊपर चले जाओ मजे में। यहाँ पर आप अपना शू रखिए, ये भाई साहब टोकन देंगे आपको, आपका शू चले जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारे रैकेट है, हाउसफुल कभी नहीं होगा, मोजे भी खोलने वो बोलता है, इवन सॉक्स आर नॉट अलाउड, सो सॉक्स भी खोल के देना, सॉक्स भी देना है, बोल देते हमको पहले, नहीं मुझे पता नहीं था ना। ऊपर खड़े थे टोके यहाँ पर, अभी हम जा रहे डायरेक्ट ऊपर। थैंक यू। यहाँ पर अंदर आते ही थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बड़ा भी लाइन से जा रहे सब जन, देखते पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं, मुझे भी पता नहीं क्या क्या है, कैसे क्या है। मतलब एक एक ग्रुप करके छोड़ रहे, 7-8 जन का ग्रुप, ये मतलब ये पूरी फैमिली होती है, उनको साथ में छोड़ेंगे। मैं आगे आ गया, तब इन लोगों के साथ जाऊंगा मैं आगे ऊपर, आगे इधर। हमारा टाइम आ चुका है,
अभी मैं हूँ 280 फुट ऊपर, तो यहाँ से मैं पूरा नाथवारा देख सकता हूँ, मतलब पूरा पूरे सिटी देख सकता हूँ। बट ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये शिव जी के बैक साइड है, तो यहाँ पर पूरे कांच की रेलिंग बना के हुई, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना 280 फुट है, और यहाँ से मतलब जैसे आगे तो घूम के जाएंगे ना तो शोल्डर थोड़ा ऐसा है ना 270 फुट यहाँ पे आ जाता है। बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब थोड़ी फट भी रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा कांच का है ना, यहाँ पर ऐसा इसके लिए, और यहाँ पर सब जन आ रहे हैं फोटो खिंचा रहे हैं, बट मेरा कोई फोटो नहीं खींच रहा है क्योंकि हम ही खुद अपने आप के वीडियो निकाल रहे ना। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है शिव जी की, स्टैचू ऑफ बिलीफ। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पर सामने मतलब पार्किंग है पूरी, यहाँ पे पूरी पार्किंग, यहाँ से गेट है यहाँ पे अंदर आने का। आपको ये जो छोटी मूर्ति दिख रही है सेम टू सेम मूर्ति यही है, सेम टू सेम। अभी जो मैं व्लॉग कर रहा था वो यहाँ पर खड़े रह के कर रहा था, पीठ के पीछे जो बाल है ना वहाँ पर। अभी हम जाते हैं फटाफट उदयपुर, डायरेक्टली वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर आ गया गंगोर घाट पर, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, इसके लिए मैं बोला थोड़ा बैठ जाता हूँ यहाँ पे टाइम पास करता हूँ। अभी आधा एक घंटे के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ये गंगोर घाट है यहाँ का। और तो कुछ नहीं, अभी जीजू का वेट कर रहा हूँ, जीजू को बोला थोड़ा आज जल्दी आ जाओ घर पे, बाहर जाते हैं, और सेकंड जीजू को भी फोन करना है, नहीं तो वो बोलेंगे बाद में यहाँ पे उदयपुर पे आए और मिलके नहीं गए, तो उनको भी फोन करके आज रात को उनके साथ घूमूंगा। प्लान तो आज निकलने का था, बट अभी वो एल्बम वाले ने बोला 2 दिन और लगेगा, तो मैं बोला 2 दिन के बाद निकलता हूँ, तो अभी मेरा प्लान थोड़ा चेंज है। अभी कल तक मैं शायद से सोच रहा हूँ गाँव चले जाऊँ, कल सोच रहा हूँ गाँव चले जाओ, 2 दिन उधर ही रहो, बाद में वहाँ से बस पकड़ के डायरेक्टली आ जाओ, क्योंकि उदयपुर फिर से बार बार आना जाना नहीं जमेगा इसके लिए। देखते हैं अभी जीजू आएंगे तब मैं ब्लॉग करता हूँ, अभी मैं बस शांति से बैठा हूँ यहाँ पर, और तो कुछ नहीं।